दोस्तों, कई बार राइस हम ज़्यादा बना लेते हैं, फिर हम सोचते हैं राइस का हम क्या करें। तो मैं आपको बताऊंगा कि राइस का क्या करना है। मैं आज बनाने जा रहा हूँ फ्राइड राइस। कभी भी आपके अगर राइस बच जाएं तो उन्हें फ्रिज में रख लें। फ्रिज में रखे हुए ठंडे राइस का फ्राइड राइस बहुत ही अच्छा बनता है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम बासमती राइस लिए हैं। इनको मैंने अच्छी तरह धोकर भिगो लिया है और हम सबसे पहले इन राइस को एक घंटा सोख होने के बाद उबालेंगे। यहाँ पर मैंने 3-4 कप पानी लिया है और पानी अच्छी तरह उबलने के बाद जैसे ही पानी में उबाल आया चावल इसमें डाल दिए गए हैं। 10 मिनट के लिए मैंने इनको उबलने के लिए छोड़ा है और बीच में हम इसको चेक करेंगे। राइस 90% ही कुक करने हैं। मुझे लगता है राइस 90% कुक हो गए हैं। इसके बाद मैंने इसको स्टेन कर लिया है। राइस स्टेन करने के बाद कम से कम इसको एक घंटा फ्रिज में ज़रूर रखें, क्योंकि ठंडे राइस का फ्राइड राइस बहुत ही अच्छा बनता है। कढ़ाई में मैंने तेल डाला। सबसे पहले मैं जैसे ही तेल गर्म होता है इसमें प्याज ब्राउन करूँगा। जब हल्का प्याज ब्राउन हो जाए तो इसमें मैंने गार्लिक इसमें डाला है। गार्लिक को भी हम इसमें सौते कर लेंगे। जिंजर भी इसमें डाल दें। इनको आपस में सौते कर लें। एक हरी मिर्च मैंने इसमें डाली है। बारीक कटा हुआ गाजर और बारीक कटा हुआ बीन्स, फ्रेंच बीन्स मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ फ्राइड राइस के लिए। साथ ही मैंने यहाँ पर रेड बेल पेपर या रेड कैप्सिकम यहाँ पर मैंने डाली है और साथ ही ग्रीन कैप्सिकम भी मैंने इसमें डाली है। आप चाहें तो येलो कैप्सिकम भी डाल सकते हैं, मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाता है। इन सभी सब्जियों को कढ़ाई में सौते कर लें और जब ये सब्जियां कुक हो जाएं तो जो फ्रिज में रखे हुए राइस थे ये ठंडे हो चुके हैं। मैंने पहले जैसे बताया कि ठंडे राइस का फ्राइड राइस बहुत अच्छा बनता है। इसको सब्जियों के साथ मिक्स कर लें अच्छी तरह से। ये शेजवान सॉस है, ये मैंने स्प्रिंग रोल वाली वीडियो में आपको बनाना बताया था, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। शेजवान सॉस जो कि राइस का बहुत ही अच्छा टेस्ट इंक्रीज करेगा। साथ ही मैंने इसमें डाला है सोया सॉस और काली मिर्च पिसी हुई और नमक स्वाद अनुसार। आपस में मिक्स कर लें। स्लो फ्लेम पर इसको पका लें और एक चम्मच यहाँ पर मैंने डाला है सिरका विनेगर, वाइट विनेगर, और इससे थोड़ा सा राइस में थोड़ा सा खट्टापन चाइनीज टेस्ट आएगा। ये हरा प्याज इसमें ज़रूर डालें। और इनको भी मिक्स कर लें। लगभग आपके फ्राइड राइस तैयार हो चुके हैं। एक बार घर पर जरूर ट्राई करें। थोड़ा गार्निश के साथ मैंने इसको प्रेजेंट किया है, प्लेटिंग की है और ऊपर से मैं इसमें डालूंगा स्प्रिंग अनियन थोड़ा सा। और दोस्तों, कैसे लगे आपको फ्राइड राइस? उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।